व्हाइट सॉस पास्ता या क्रीमी पास्ता बनाने के लिए हमें चाहिए पास्ता। मैंने 250 ग्राम पास्ता लिया है। पास्ता को उबाल कर अच्छे से रख लिया है। व्हाइट सॉस की रेसिपी आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाके देख सकते हैं। ये हम 2 चम्मच लेंगे। 1 कटा हुआ प्याज, 1 कटी हुई शिमला मिर्च, 1/2 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच सीजनिंग, पानी लेंगे हम 100 ml, 4 ऑलिव, मैंने ग्रीन ऑलिव लिए हैं, आप चाहें तो ब्लैक ऑलिव भी यूज कर सकते हैं, 50 ग्राम बटर, नमक लेंगे हम स्वाद अनुसार। तो आइए व्हाइट सॉस पास्ता की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। व्हाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन को गर्म करेंगे। पैन गर्म हो गया है, अब हम पैन में बटर डालेंगे। बटर भी अच्छे से मेल्ट हो गया है, गैस का फ्लेम हम हाई कर देते हैं। अब हम कटी हुई प्याज और कटी हुई शिमला मिर्च डालकर अच्छे से भून लेंगे। कैप्सिकम और ऑनियन को हमें हाफ फ्राई करना है। आप चाहें तो इसमें रेड और येलो कैप्सिकम भी डाल सकते हैं। कैप्सिकम और ऑनियन फ्राई हो गई है, अब हम इसमें व्हाइट सॉस डालेंगे। डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पचास एम एल पानी डालेंगे, पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सॉस अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम सॉस में पास्ता जो मैंने बॉईल किया था पास्ता डालेंगे। ऑलिव डालेंगे, सीजनिंग डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे और 1 चम्मच हम नमक डालेंगे। डालकर सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। व्हाइट सॉस पास्ता हमारा तैयार हो गया है, हम गैस को बंद कर देते हैं। व्हाइट सॉस पास्ता हमारा तैयार है। पास्ता को आप गरम गरम बच्चों को खिलाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।